अगर अपने फेसबुक अकाउंट का मोबाइल नंबर अगर आप चेंज करना चाहते हैं, मान लीजिए अभी आपने एक नया नंबर लिया है और अपने फेसबुक अकाउंट के साथ पुराना कोई नंबर लिंक है, तो अपने फेसबुक अकाउंट पे नया नंबर कैसे लिंक करेंगे वही आज इस वीडियो में बताने वाले हैं, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सके गाइस उतना जल्दी बताएंगे, वीडियो को बस पूरा देखना तभी जाके आप ये वीडियो को समझ पाएंगे कि कैसे किसी भी नंबर आप फेसबुक अकाउंट के साथ ऐड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको फेसबुक अकाउंट पर आना है, देन उसके बाद आपको यहाँ पे कॉर्नर पर आपका जो लोगो है लोगो मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपको लोगो पे आना है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे आपको कॉर्नर पे जो लोगो है ना, यहाँ पे आपको लोगो वाले ऑप्शंस पे आना है। देन जैसे आप लोगो वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे, आपको यहाँ पे ऊपर एक सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सेटिंग्स का एक ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपको टैप करना है। तो जैसे अब यहाँ पे टैप करेंगे आपके सामने सारा सेटिंग्स ओपन हो जाएगा। तो आपको एक काम करना है, यहाँ पे आपको जो ये ऑप्शन है ना मेटा सेंटर अकाउंट सेंटर, तो यहाँ पे आपको टैप करना है। तो जैसे आप यहाँ पे टैप करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको यहाँ पे यही वाला ऑप्शन पे आ जाना है। आपको ध्यान से देख लेना है, ये जो पर्सनल डिटेल्स है ना यहाँ पे आपको आना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आने के बाद जब भी आप यहाँ पे टैप करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट इन्फो शो हो जाएगा, बर्थडे शो हो जाएगा, आइडेंटिटी और ओनरशिप शो हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले वाला जो ऑप्शन है ना कॉन्टैक्ट इन्फो, तो यहाँ पे आपको टैप करना है, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे टैप करेंगे आपके सामने वो ईमेल शो हो जाएगा, वो नंबर शो हो जाएगा जो ऑलरेडी अपने अकाउंट के साथ लिंक है, ठीक है। तो आप नया नंबर यहाँ पे लिंक करने के लिए आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो नीचे एक ऑप्शन है ना ऐड न्यू कॉन्टैक्ट, तो यह पे आपको टैप करना है। जैसे आप यहाँ पे टैप करेंगे फिर आपको ये पूछा जाएगा कि आप क्या ऐड करना चाहते हैं, अगर आप ईमेल ऐड करना चाहते हैं तो नीचे टैप करना है, अगर आप नंबर ऐड करना चाहते हैं तो ऊपर टैप करना है। तो जैसे कि मैं ऊपर में टैप कर लिया, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे वो नंबर डाल देना है कि आप कौन सा नंबर इस मतलब फेसबुक अकाउंट के साथ लिंक करना चाहते हैं, जो आपका नया नंबर है ना वो नया नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। तो उसके बाद जब भी आप यहाँ पे नंबर डालेंगे, नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे नीचे नेक्स्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे नीचे आपको नेक्स्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो नंबर डालने के बाद गए आपको और एक काम करना है, यहाँ पे आपको मतलब ये नंबर आप किस किसके साथ ऐड करना चाहते हैं, अगर सिर्फ फेसबुक के साथ ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे सिर्फ फेसबुक का जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको टैप करना है, अगर इंस्टाग्राम के साथ भी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको टैप करना है। उसके बाद गाइस करना क्या होगा वो आपको सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है। तो जैसे आप नेक्स्ट करेंगे उसके बाद इस नंबर पर एक ओ टी पी जाएगा, ठीक है। तो जो ओ टी पी जाएगा ना वो ओ टी पी बस आपको यहाँ पे डाल देना है, डाल देने के बाद गाइस नीचे जो नेक्स्ट ऑप्शन है नीचे नेक्स्ट ऑप्शन से यहाँ पे कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट ऑप्शन करेंगे ना, नेक्स्ट ऑप्शन करने के बाद आपने फेसबुक अकाउंट का जो पासवर्ड है पासवर्ड आपको पूछेगा, पासवर्ड डालने के बाद गाइस ये नंबर जो है ये नंबर अपने फेसबुक अकाउंट के साथ ऐड हो जाएगा। फिलहाल मैं कोई नंबर ऐड नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे ये जो स्टेप है स्टेप मैं पूरा कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं फिर से अगर कोई नंबर ऐड किया तो मेरा यहाँ पे तीन तीन नंबर ऐड हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे नंबर ऐड नहीं कर रहा हूँ। बस आपको यहाँ पे जो ओ टी पी जाएगा ना ओ टी पी यहाँ पे आपको डाल देना है, नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन है नेक्स्ट करना है, फिर उसके बाद अपना फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड डालने के बाद सेव करना है, ये नंबर अपने फेसबुक अकाउंट के साथ ऐड हो जाएगा, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक शेयर कर देना।